मेन जो आज है कि जम्मू कश्मीर ने, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली ने अमरनाथ जी यात्रा में पर्टिकुलरली यात्रियों को हर वक्त स्वागत किया है और आगे भी करते रहेंगे जब तक मेरे हिसाब से कायनात रहेगी। हम लोगों ने कभी भी कहीं पर भी किसी को भी ये मौका नहीं दिया है कि अगर कोई भी यात्री यहाँ पर आए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अगेंस्ट में कहीं पर भी कोई कुछ बोले या कहीं पर भी उसको कहीं अपोज करे। हर वक्त, क्योंकि ये पीरू फकीरू साधु संतों की जगह है, हर वक्त इसको वेलकम किया गया है, स्वागत किया गया है। गवर्नमेंट भी अपने तरीके से बहुत काम कर रही है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा साथ में, उसके साथ में हमारे कश्मीर के मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। जिस तरीके से वेलकम भी हर जगह किया जा रहा है और उसको साथ में समर्थन सपोर्ट दिया रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमारी एक दो जो चीज़ें हैं जिससे मेरी लोकल मेजॉरिटी कम्युनिटी को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। यात्रा पीक मिलिटेंसी 32 साल में से भी चल रही थी, कभी भी कहीं पर भी गॉड फॉरबिड कहीं पर कुछ इनोसेंट, कुछ अनफॉर्चुनेट एक दो वाक़े हुए हैं, हम नहीं कह रहे वाक़े नहीं हुए, लेकिन उस वाक़े के चक्कर में आज जिस तरीके से टोटल मेजॉरिटी का हर एक साथी जो सड़क पर चलता है उसके साथ बहुत तकलीफ हो रही है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे सड़कें एक ही साइड से बंद हो जाती है। अच्छी बात है, सिक्योरिटी के लिए हम कहीं पर बात नहीं करते हैं, वी आर नॉट ऑथराइज टू स्पीक अगेंस्ट सिक्योरिटी या सिक्योरिटी का हम उसके बारे में बात। हाँ, हमारी एक रिक्वेस्ट है, एक सबमिशन है गवर्नमेंट से, जैसे फ्रूट वाले हैं, फ्रूट यही महीना दो महीना रहता है, ये फ्रूट वालों का जिस तरीके से बेचारों का अगर फ्रूट 2 दिन भी बंद हो जाएगा इस गर्मी में तो वो ख़राब हो जाता है। जो बेचारा अपना 2 पैसे कमाने के लिए अपने परिवार को साल भर खिलाना चाहता है वो, उसकी ऐसी हालत हो जाती है उसका ट्रक का खर्चा भी नहीं निकलता है। एक गवर्नमेंट इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस बनाए, दिन में प्रॉपर यात्रा चले, रात में कम से कम ये ट्रक वालों के लिए जो आने के लिए, अभी और एक पाक दिन आने वाला है, ईद आने वाला है, बकरी ईद है, जिस बकरी ईद में 1 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ हो रही है, तो उसके लिए भी भेड़ बकरियों की जब ज़रूरत पड़ती है तो जब वो भी रास्ते में बंद हो जाते हैं, जो वहाँ से कोई भी बिजनेसमैन उसके उसको लेकर आता है जिसको हम कोटदार कहते हैं, जब वो बेचारा वहाँ से लेकर आता है वो भी चाहता है कि कुछ वहाँ से 2 पैसे कमा के अपने घर परिवार को रात पूरा साल भर चलाए। बदकिस्मती होती है जब वो वहाँ से आता है रास्ते में बंद हो जाता है, उसके 3-4 बकरियाँ जो भी है वो मर जाते हैं, तो उसका जितना प्रॉफिट होता है वो उसी में चला जाता है और उसके बाद वो अपने आप को भी सर्वाइव नहीं कर सकते और मेरे को फिर डर लगता है कि कहीं कल को आगे वो बंद ही ना करे, जिसकी वजह से वो भी गवर्नमेंट के लिए दिक्कत हो जाएगी अगर कुर्बानी के टाइम यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं हो जाएगी। जबकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी थी, रेट्स अच्छे निकाले थे, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से रेट निकाला था कि जो एज इट इज़ कैसे होगा, मीट कैसे मिलेगा, जो अभी रिसेंट जो आज तक बहुत कम दिखने को दिखता था, बट इट हैज़ कम रियली, मतलब थोड़ा सा इस टाइप का ये जो माहौल बना हुआ है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ LG साहब को, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, जैसे सड़क, बिजली और पानी, सड़क की कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम, पर्टिकुलरली जो टूरिज़्म जिस तरीके से इस बार जम्मू कश्मीर एंड पर्टिकुलर कश्मीर वैली में आ गया, मैं मुबारकबाद देता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन को, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को और उससे ज़्यादा कश्मीर के कौम को, आवाम को, जिन्होंने हर हार्ड टाइम में भी हर वक्त टूरिस्ट के साथ में खड़े रहे, टूरिस्टों को वेलकम किया और टूरिस्टों को भी मुबारकबाद देता हूँ, वो यहाँ पर आए खुशहाली से गए और उन्होंने मैसेज भी बहुत अच्छी दे दी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ गया, इकोनॉमी यहाँ पर वापस खुल गई, पैसा रोटेट हो गया, जो टूरिस्ट का पैसा खाली होटल वाले और बोट वाले के पास नहीं गया, ये हर एक उस जगह में गया जहाँ कोई रेड़े पर अगर कोई फल फ्रूट भी बेचता है, कोई कुछ भी बेचता है तो उसके पास वो रोटेट होके जाता है, कोई सब्ज़ी भी बेचता है वो जब पैसा आ जाएगा तभी वो रोटेट होता है, अगर पैसा नहीं आ जाएगा तो रोटेट तो बहुत दूर की बात है, वो उसके पास भी नहीं जाता जो एक्सपेक्ट करता है। तो हम चाहते हैं कि LG साहब इसमें थोड़ा सा रिव्यू मीटिंग एक लेकर अपने टीम के साथ में, ये रिव्यू मीटिंग लेकर, क्योंकि हम लोगों के दिलों में बहुत प्यार है यात्रियों के लिए, अमरनाथ जी गुफा के लिए, अमरनाथ बाबा के लिए, सबको है, क्योंकि ये पीरू फकीर साधु संतों की जगह है, तो हम चाहते हैं वो प्यार बरकरार रहे और लोगों को थोड़ी सी इसमें फैसिलिटी दी जाए, जो हम लोग हक और नाहक की बात नहीं कर, हम कहें हमें थोड़ी फैसिलिटी, क्योंकि कोई एम्बुलेंस में पेशेंट होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, बच्चों को एडमिशन्स देने होते हैं, तो उस चीज़ के लिए। और तीसरी बात, जो कल नीट के एग्ज़ाम्स आ गए, जो जो बच्चे उसमें कामयाब हो गए हम उन सब बच्चों को मुबारकबाद देते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो गए उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि वो बैठे और फ्यूचर में फिर से कोशिश करें, वी विल प्रे फॉर यू कि आप आगे कामयाब हो जाए, इसको सीरियस ना ले लें, ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ये बिगिनिंग है लाइफ की,
इसमें कोई जीत और हार की बात नहीं है, इसमें और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, जो फ्यूचर में आप इसको पास करके आप भी अव्वल नंबर पर आ जाए की ज़रूरत है। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा, बट आई डू एक्सपेक्ट के जो G20 की बात हो रही है कि G20 अगर कश्मीर में हो गया तो मेरे को लगता है कि फिर हमें अनएम्प्लॉयमेंट क्या, फिर हमें एम्प्लॉय करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसी बात, फिर हम लोग डायरेक्टली विल बी कनेक्टेड विद द होल यूनिवर्स। आई विश कि G20 हमारा जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री आउटसाइड कंट्री बाहर जाकर डिफरेंट कंट्रीज़ में कोशिश कर रहे हैं G20 यहाँ पर हो। आई विश कि G20 अगर होता है तो फिर मेरे यहाँ पर मैं बाहर से उठा उठा के 20-30 हज़ार लोगों को बोलूँगा आप मेरे यहाँ पर एम्प्लॉय ले लो, दैट मच ऑफ द इकोनॉमी विल फ्लो इन। सो लेट अस होप, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट ऑनरेबल LG साहब, ही इज़ एन IITian, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल है, आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। तो द वे ही इज़ वर्किंग एट ग्राउंड जीरो, आई थिंक ही विल डू जस्टिस विद अवर अनएम्प्लॉयड यूथ्स एंड ही विल ट्राई टू सी द वे अनएम्प्लॉयड यूथ्स कैन बी एडजस्टेड इन अवर प्लेस, पर्टिकुलरली इन वैली।